हे फ्रेंड्स, तो फाइनली आज बात करेंगे मारियो ब्रोस फिल्म के रिलीज हुए ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर के बारे में। जी हाँ, हिंदी ट्रेलर जिसे देखने के बाद मैं इसका इंग्लिश ट्रेलर देखूंगा, जो कि मैंने नहीं देखा है क्योंकि उससे रिलेटेड क्रिस प्रैट को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। और हाँ, उसका रिएक्शन भी मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा, लेकिन उस ट्रेलर को मैं इसमें चलाने वाला नहीं क्योंकि हिंदी ट्रेलर मैं ऑलरेडी चलाऊंगा और वही सेम चीजें, वो भी यूनिवर्सल के मामले में इस तरीके से करने से भाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है क्योंकि कॉपीराइट का मसला होता है, और जो कि इस वीडियो पर भी होगा नो डाउट। चलिए अब देखते हैं इसका ट्रेलर, उसके बाद करेंगे बाकी की बातचीत जो करना ठीक रहेगा। हालांकि इसके अलावा भी मैंने इसके टीजर पर पहले रिएक्शन किया और ये अब ऑफिशियल ट्रेलर है जिसमें हम मारियो ब्रोस की पूरी दुनिया को देखने वाले हैं, और हाँ, क्रिस प्रैट के टोन को भी। तो चलिए सीधे बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इसके ट्रेलर पर, जो कि शुरू होगा अब हिंदी में। अभी आ जाओ कॉपीराइट वालों। एनिमेशन स्टाइल तो लाजवाब है मारियो, ये टोन अच्छा है। शुरू करते हैं डोंकी कॉन्ग। इसका तो कच्चू पर बन गया। निंटेंडो इल्यूमिनेशन। नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं दुनिया पे राज करने वाला हूँ। इसकी आवाज अच्छी है। ये बस एक छोटी सी दिक्कत है, एक इंसान उसके मूछें हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा भाई है वो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं हर उस मच्छर को जानता हूँ जो मुझसे मैजिक कपड़े पहनता है और जिसकी टोपी पर उसके नाम का पहला अक्षर लिखा हो, तो तुम गलत हो। बाउज़र आ रहा है। प्रिंसेस को नहीं बचाएगा क्या? शैतान को हमें मिलकर रोकना होगा। कैसे? हमें देखो तो, हम नन्हे मुन्ने हैं। ए यार, इनको बच्चे जैसी आवाज की दे दिया। इसमें सीखेगा पूरा। यार इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ। 2023 में एक पूरी की पूरी कायनात है जिसमें कई तारों की दुनिया है। प्रिंसेस की आवाज ठीक है, उसको बचाएगा, मतलब एंड में तो किडनैप कर ही लेगा वो। ठीक है, अब स्टार्टिंग में उनका मतलब वो कहते हैं ना, दोस्ती वोस्ती नहीं होगी तो बचाएगा क्यों? रेसिंग भी है। ओ भाई, ये लोग तो पूरा बोलते हैं ट्रिब्यूट देने वाले, ये कि फिल्म में खोलेंगे क्या? जबरदस्त। बताना जरूरी है बोल करके, आज भी सुधरे नहीं है। हिंदी में ठीक है तो इसका हिंदी ट्रेलर और हिंदी डबिंग वो जो छोटे कैरेक्टर पर है वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही है क्योंकि इंग्लिश वर्जन में कौन माइकल की ऐसे करके कोई एक्टर है उसने वॉइस दिया, और हाँ मतलब वो कैरेक्टर की वॉइस मैच्योर ही है, भले से वो दिखने में काफी ज्यादा क्यूट क्यों ना हो लेकिन वो कैरेक्टर अच्छे ही लगते हैं। खैर, तो मैं अब देखूंगा इसका इंग्लिश ट्रेलर, उसके बाद बाकी की राय शेयर कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना बेमतलब का ज्ञान किसे पसंद है। खैर, तो इंग्लिश ट्रेलर भी मैंने देख लिया है और हाँ, उसमें क्रिस प्रैट की वॉइस फिलहाल तो मारियो के कैरेक्टर पर एक्सेंट के हिसाब से मैच नहीं कर रही है, जिस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज आई थिंक ग्लोबली होगा। इंडिया में तो लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पता है वो लोग मारियो के कैरेक्टर को लेकर तो बात करेंगे ही कि उसकी डबिंग क्रिस प्रैट ने कैश एंड ग्रैब के लिए की है, लेकिन बाकी ठीक ठाक लग रही है वॉइस, और अगर एकदम डाई हार्ड फैंस के हिसाब से डिसअपॉइंट करती है। बाकी कीगन माइकल की वॉइस भी अच्छी है, और लेकिन हिंदी में उसको थोड़ा बच्चों को दे दिया है, और बाकी के जो दूसरे कैरेक्टर्स है उसी के जैसे जो दिखते हैं, आई मीन उनको क्या बोला जाता है, टॉड, तो उस हिसाब से हिंदी में बच्चों को डाल दिया गया, लेकिन आई थिंक बड़े लोगों को देख करके, थोड़े मैच्योर लोगों को देख करके बचकानी जैसी चीजें करवाएंगे ना वॉइस में, तो वो अच्छा लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा था दुपेंद्र का कैरेक्टर, तो वैसा अगर कुछ किया जाता तो काफी ज्यादा बेस्ट होता। खैर, बाकी डोंकी कॉन्ग के कैरेक्टर की वॉइस हमने नहीं सुनी जिसकी वॉइस सेंथ रोक दे रहे हैं। जैक ब्लैक तो किंग है अपनी वॉइस में भाई, और प्रिंसेस के कैरेक्टर में भी कोई भी मतलब कहते हैं ना प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ओवरऑल ट्रेलर बहुत अच्छा है जिसे देखने की उम्मीद भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ऊपर से हिंदी ट्रेलर भी आया है, तो बनती है अब आपकी राय, वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं क्योंकि अब वक्त है इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलूंगा अगली वीडियो में, टिल देन बाय।